NH2 है, उस सबसे दूर वाले कैरल सेंटर को देखना जिसपे NH2 है, और उसने कहा ये देखो L है, NH2 लेफ्ट में है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा अरे भाई NH2 का नाम होता है एमिनो, सुना है एमिनो, और OH होता हाइड्रोक्स। उसने कहा भाई प्रायोरिटी मिलती है यार A अल्फाबेट से स्टार्ट होने की वजह से, तो जब OH और NH2 दोनों होंगे तो हम उस सबसे दूर वाले कैरल सेंटर को देखेंगे, सबसे दूर वाले इस पे NH2 लगा। ओके मेरे भाई, इस बार भी बच निकला, इस बार भी आपने देखा बच निकला। अब आप सोचोगे उसे कैसे फंसाया जाए। मेरे भाई इत्तेफाक से उसी समय में उसी रास्ते से गुजर रहा था, मैं ऐसे जा रहा था, मैंने देखा बच्चे लोगों ने भीड़ लगा रखी, मैंने बेटा क्या चल रहा है यार, कुछ साइंटिस्ट पलटे पलटते उन्होंने चरण स्पर्श किया, उन्होंने कहा सर सही टाइम पे आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर एक डैश है वो हमें डबल डैश बना रहा है। मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मैं जैसे ही अंदर गया, वो बीच में बैठा हुआ था कुर्सी पे, उठ के आया, उसने चरण स्पर्श किया, उसने कहा सर रहम करना। मैंने बेटा वो सब रहम वहम बात की बात है, सुना है तुम कंफिग्रेशन बता रहे हो। कह रहा हाँ सर बता तो रहा। मैंने कहा बताओ बेटा ये क्या है? जोर जोर से हंसने लगा, कह रहा सर ये तो बच्चे लोग बता लेंगे, इतना सिखा दिया मैंने। मैंने कहा क्या है बताओ पहले। कह रहा डीएडी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक और बताओ। मैंने कहा बताओ ये क्या है? OH OH HH। मेरे भाई वो फिर मुस्कुराने लगा, कह रहा ये LL। मैंने तुरंत उस बंदे से कहा घूम जाओ। वो बंदा डर गया। मैंने कहा घूम जाओ टाने ना। उसने कहा सर क्या गलती हो गई? मैंने कहा पहले घूम जाओ। जैसे वो घूमा मैंने लात मार दिया सर, क्योंकि आप गलती पकड़ पाए हैं क्या? क्या आप गलती पकड़ पाए हैं क्या? सेवेंथ और एट्थ कंपाउंड सेम है, सेवेंथ और एट्थ कंपाउंड सेम है, सेम कंपाउंड का कंफिगरेशन डी है एक बार और एक बार एल है, जो कि इलॉजिकल है। तो क्या आपने देखा कि ये डी और एल वाला रूल सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में फिट नहीं बैठा? सिमेट्रिकल कंपाउंड में सिमेट्री थी इसमें, इसलिए फिट नहीं बैठा। अच्छा मैं आपका संशय दूर कर देता हूं, मैंने आपको कई सारे रूल्स बताए हैं, और ये जो ह्यूमरस वे से एंटरटेनिंग वे से उस बंदे ने डी और एल के रूल्स बताए हैं, ये सारे रूल्स सही हैं, यही रूल्स हैं डी और एल निकालने। तो ऐसे मजाक में मत लीजिएगा, दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट। हां हमें ये जरूर समझ में आ गया कि डी और एल कंफिगरेशन हर जगह नहीं लगाया जा सकता। इसे देख लें, इसे मैं हटाऊंगा और उसके बाद हम इसके रूल्स को लिखेंगे। मेरे भाई एग्जाम्पल्स तुमने कर लिया, डी एंड एल के रूल्स लिख देते हैं। रूल्स फॉर डी एंड एल आते हैं आपको सारे, बताओ चलो बताओ जल्दी बताओ। पहला रूल, रूल नंबर वन, कंपाउंड मस्ट बी इन, ये बुक्स में ऐसा लिखा होता है, गोल्डन फिशर। क्या आप गोल्डन फिशर का मतलब जानते हैं? गोल्डन फिशर का मतलब है रूल वन भी लगाओ, रूल टू भी, रूल थ्री भी। कौन सा? फिशर के तीन रूल्स थे, कार्बन चेन वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल, सारी चीजें। फिशर फॉर्म, इस फॉर्म में आपका क्या होना चाहिए? कंपाउंड होना चाहिए। रूल टू, ऑब्जर्व ऑब्जर्व फार्दरेस्ट फार्दरेस्ट फार्दर सबसे दूर वाला, काइरल कार्बन, काइरल कार्बन फ्रॉम C1, C1 मतलब सबसे ऊपर वाला, ठीक है। इफ इफ इट कंटेन्स ऑन फार्दरेस्ट वाला, इफ इट कंटेन्स OH टूवर्ड्स राइट, क्या आएगा? बी। एंड इफ इट कंटेन्स OH टूवर्ड्स लेफ्ट तो क्या आएगा? एल। आसान है। रूल थ्री क्या था? एक मिनट ऐसा करता हूं,
इफ इट कंटेन्स OH या फिर NH2, इफ इट कंटेन्स OH या फिर NH2, OH या NH2 अगर राइट साइड में है तो D और लेफ्ट में है तो L. रूल थ्री, इफ कंपाउंड कंटेन्स, इफ कंपाउंड कंटेन्स बोथ OH and NH2, OH and NH2, then क्या करते थे, then observe that farthest carbon, that farthest, देखना दूर का ही है, that farthest chiral center which contain NH2, which contain NH2 group. सही बात है, which contain NH2 group. And फिर क्या करोगे, apply rule 2 and apply rule 2. यही टू लगा तो दाई तरफ है तो डी बैंक कर देते. मेरे भाई सारी कहानी ठीक है लेकिन क्या आपको पता है डी एंड एल कहां कहां लगेगा, जहां OH हो या जहां NH2 हो या जहां दोनों हो. मेरे भाई इसकी लिमिटेशन है, ये और जगहों पर लग ही नहीं सकता. लाइक डी एंड एल कांट बी असाइन, हम असाइन नहीं कर सकते, कांट बी असाइन ऑन सिमेट्रिकल कंपाउंड्स, ऑन सिमेट्रिकल कंपाउंड्स. सही बात है, ठीक है भाई, सिमेट्रिकल कंपाउंड में मैंने करवाया था, कहां हुआ था एक. क्या आपको यह भी पता है, डी एंड एल कान बी असाइन ऑन कंपाउंड्स हैविंग नो OH एंड नो NH2. डी एंड एल कैन नॉट बी असाइन इन कंपाउंड्स, सही है, विच हैव अब्सेंस ऑफ OH एंड NH2 group, OH and NH2, OH and NH2 group. मेरे भाई डी एंड एल का पूरी थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने, आपको याद है गर्मियों में आप पीते हैं ग्लूकोन डी, याद है. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर डी और एल हर जगह नहीं लग सकता तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं. मेरे भाई डी एंड एल का बहुत ज्यादा यूज होता है कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में, और आज भी कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में डी और एल से अमीनो एसिड, डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, डी सुगर, एल सुगर, ऐसे सारी चीजों को कंफिगरेशन को असाइन किया गया है, इसलिए हमें इसे पढ़ना होता है. और ये डी कार्बोहाइड्रेट आपके लास्ट चैप्टर में भी आपको मिलेगा, देख लें इसे. रूल्स फॉर डी एंड एल, यह है पहला कंफिगरेशन मेथड. मेरे भाई डी एंड एल कर लिया आपने, ऐसा ही डी एंड एल की तरह ही एक और कंफिगरेशन मेथड है, हम वो भी आज करेंगे, ठीक है. देखते हैं क्या है मेथड, डी एंड एल की तर्ज पर ही है और ये है आपका 3O एंड एराइथ्रो. एक छोटा नाम है एक बड़ा नाम, 3O एंड एराइथ्रो. दरअसल मेरे भाई ये नाम दो सुगर से उठाया गया है. पीछे वाला नाराज हो रहा है, कह रहा बार बार आप मेरी चर्चा क्यों करते हैं. अरे मैं तुम्हारी चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं सुगर बोल रहा हूं, सुगर. तुम क्यों ऐसा सोचते हो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं. मेरे भाई ये दो सुगर से, सारे लोग देखिए, सारे लोग देखिए, ये बहुत पॉपुलर शुगर है और ये इसका नाम है एराइथ्रोस, और ये जो शुगर है इसका नाम है थ्रियोस. तो मेरे भाई इन्हीं के नाम से एराइथ्रो एंड थ्रियो लिया गया है, इन्हीं के नाम से एराइथ्रो और थ्रियो लिया गया है, क्लियर. इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे आप देखिए
यहां कितने काइरल सेंटर, दो काइरल सेंटर, तो मेरे भाई कंडीशन यहां चालू हुई, रूल तो बात की बात है, कंडीशन कैन बी असाइन, आप इसे केवल उन्हीं कंपाउंड में असाइन कर सकते हैं, कैन बी असाइन ओनली, कैन बी असाइन इन कंपाउंड्स, इन कंपाउंड जिसमें एग्जैक्टली दो काइरल सेंटर, ये तो और बकवास, केवल दो काइरल सेंटर, एक में भी नहीं हो सकता, तीन चार पांच छह सात में भी नहीं हो सकता, कैन बी असाइन इन कंपाउंड्स हैविंग एग्जैक्टली एग्जैक्टली दो काइरल सेंटर, टू सीसी, मेरे भाई दो सीसी से ना कम चलेगा ना ज्यादा चलेगा, तभी आप इसे असाइन कर सकते हो। क्या है भाई साहब बकवास टाइप का, अगला कैसे असाइन करेंगे, काइरल सेंटर अगर बड़ा वाला ग्रुप सेम साइड तो बड़ा वाला नाम राइट हो, और अगर अपोजिट साइड तो थ्री हो, लो खत्म। देखें इफ लार्जर एटम और ग्रुप एट सीसी, एट सीसी मतलब काइरल सेंटर, इज ऑन सेम साइड, इज ऑन सेम साइड, सही बात, देन नाम क्या है, एराइथ हो, बड़ा वाला नाम, अगर बड़े वाले सेम साइड तो बड़ा वाला नाम, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो थ्री हो। चालू करके खत्म करते, क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल वन सारे देखिए, सी डबल ओ एच, सी एल, सी एल एच एच, सी एस सी, क्या मजाक क्वेश्चन है यार, क्या करूं मैं भी भाई, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें बन ही नहीं पाएंगे। बोलो, चुप क्यों हो, बोलो, बोल दो तुम जरा, पहले वाले का आंसर क्या है भाई साहब, दो काइरल सेंटर है, ठीक है, हैं दो काइरल सेंटर, ये बड़े वाले ग्रुप सेम साइड है, बड़ा वाला नाम एराइट, यहां पर अपोजिट साइड है बड़े वाले, यहां सीएल यहां भी आर, तो क्या नाम हो गया, त्रियो, 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 त्रियो। मैं चाहूंगा दो क्वेश्चन इतने कर ले जाओ, क्या करोगे, तो बहुत आसान है, एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री, अब मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूं ताकि आप घर जाके पहले फिसल बनाओ, ओ एच, ओ एच दो ही कैरल सेंटर, तो मेरे भाई ये हो गया थ्रियो एंड एराइथ्रो, और आज का समय भी हो गया, तो अब हम क्या करेंगे अगली क्लास में, हम इसका मास्ट, जैसे आपने का सिस ट्रांस पढ़ा वो हर जगह नहीं लगा, सिन एन टी पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, सिस ट्रांस पढ़ा वो हर जगह नहीं लगा, सिन एन टी पढ़ा वो हर जगह नहीं लगा, फिर हमने पढ़ा ई एंड जेड जो हर जगह लगा, उसी तरीके से ऑप्टिकल में हमने आज पढ़ा डी एंड एल, कैपिटल डी एंड एल जो हर जगह नहीं लग रहा, थ्री एंड एल आई थ्रू जो हर जगह नहीं लग रहा, अगली क्लास में हम चालू करेंगे कैपिटल आर एंड कैपिटल एस कॉन्फ़िगरेशन, वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, हर जगह लगेगा, ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, होमवर्क करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पता है आपको पढ़ाई में व्यस्त, ठीक है।